कार्रवाइयां हो रही हैं और कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। उनका काम नहीं है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है। और जो वो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग उसका भुगतान करेंगे। और पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी ये दुरुपयोग भारी मात्रा में की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से हमारे महासचिव संगठन के केसी वेणुगोपाल जी और जाने माने हमारे वकील और सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी इसके ऊपर आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल साफ दुरुपयोग है, ये प्रतिशोध की राजनीति है और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। इन दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है। देखिए, इस तरह की बातें आज से नहीं कि पहले से कर रहे हैं, जब कुछ और नहीं मिलता। और यहाँ पर हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो इतने उम्दा काम किए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी इस दौड़ में है कि कैसे उस चीज को वो और ज्यादा आगे बात करें, लेकिन जनता का विश्वास उन पर नहीं है। जब सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं तो ये हमेशा इस तरह की बातों पर आते हैं। और आपने देखा, आज नहीं पहले से ही, और हमें लग रहा था कि चुनाव में ये और ज्यादा इस तरह की सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करेंगे, जो कि हो रहा है, लेकिन हमें अपने काम पर विश्वास है और भूपेश जी ने, पूरे मंत्रिमंडल ने काम किया है और हम इस काम को आगे लेकर जाएंगे। यहां के लोग, छत्तीसगढ़िया लोग हमारे ऊपर, कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस सरकार पर, हमारे नेताओं पर पूरा भरोसा रखे हैं और ये भरोसे की सरकार है।